हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी मैम रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 8, दशमह पाठ वार्तालाप कन्वर्सेशन, जिसे बोलते हैं बातचीत, जैसे कि हम आपस में कर रहे हैं, मैं आपसे कर रहा हूँ। कृति ने कहा, तव किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। विभु ने कहा, मम नाम विभु अस्ति, मेरा नाम विभु है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कृति और विभु बातें कर रहे हैं। कृति ने कहा, त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहती हो। विभु ने कहा, अहम ग्रामे वसामि, मैं गांव में रहता हूँ। कृति ने कहा, तव जनकस्य किम नाम अस्ति, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। विभु ने कहा, मम जनकस्य नाम श्री कर्मवीर अस्ति, मेरे पिता का नाम श्री कर्मवीर है। आपको पता है बच्चों, अपने किसी भी बड़ों का नाम लेने से पहले, नाम से पहले श्री लगाना आवश्यक होता है। तो देखो, उन्होंने भी अपने पिता के नाम से पहले श्री लगाया, जैसे मिस्टर लगाते हैं हम इंग्लिश में, तो श्री लगाना आवश्यक है। तो कृति ने कहा, तव भ्राता कह अस्ति, तुम्हारे भाई कौन है। तो विभु ने कहा, देव मम भ्राता अस्ति, देव मेरा भाई है। तो कृति ने कहा, दिव्या का अस्ति, दिव्या कौन है। तो विभु ने कहा, दिव्या मम भगिनी अस्ति, दिव्या मेरी बहन है। तो दोनों की बातचीत देखी आपने, दोनों की बातचीत के बारे में जाना, आपस में बातचीत कर रहे हैं विभु और कृति, आपस में बात कर रहे हैं कि दिव्या उसकी बहन है। विभु ने कहा, कृति ने कहा तुम्हारा भाई का क्या नाम है। उसने कहा, देव मेरे भाई का नाम है। कृति ने पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो उसने कहा, विभु ने, मेरे पिता का नाम श्री कर्मवीर है। तो उसने कहा, तुम कहाँ रहते हो। तो विभु ने कहा, मैं गांव में रहता हूँ। तो बच्चों, पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं हम। तव माने क्या है, तुम्हारा, और मम माने मेरा, जनकस्य क्या है, पिता का, और भ्राता क्या है, भाई, भगनी कौन है, बहन, और वससि माने रहते हो, त्वम कौन है, तुम, अस्ति माने है, और अहम माने मैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने पाठ में आए हुए शब्द और उनके कुछ अर्थ के बारे में जाना इसमें, और आपने ये जाना कि एक दूसरे से कृति और विभु कैसी बातचीत करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं एक दूसरे से। इसी से हमें पता चला कि हम किससे किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, हम बात कैसे शुरू करें। आपस में हम बातचीत कर रहे हैं तो केवल इसलिए नहीं कि कुछ भी हम करने लगे, पहले हमें बातचीत शुरू करने के लिए उसका नाम पूछना चाहिए, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हो, आपके घर में कौन कौन है, आपकी बहन का क्या नाम है, आपके भाई का क्या नाम है। इस प्रकार हमने वार्तालाप के माध्यम से ये जाना। अब हम बच्चों आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।